फ्लाईओवर के ऊपर, खजूरी फ्लाईओवर के ऊपर, जहाँ CAA के विरोध में और समर्थक के आपस में भिड़ंत हो गई है। और भिड़ंत के दौरान मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं इस तरह से कि किस तरह से झड़प हो रही है, और झड़प का नज़ारा देखने को आपको मिलेगा जिस तरह से लगातार दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि पुलिस पूरी मुस्तैद है, सारे बल प्रयोग करने के बावजूद भी दोनों तरफ से गुटों को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन शांत होने का ऐसा असर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि काफ़ी पब्लिक चहल पहल है और पब्लिक निकल भी रही है, लेकिन बहुत लोग डरे हुए हैं। एक तरफ दिखाने में दिखने में लग रहा है कि मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर सामने दिखाएं, जो काला काला धुआं दिख रहा है, ये गोकुलपुरी पेट्रोल पंप का है। CNG पंप को शायद आग लगा दी गई, ज्ञात सूत्रों से पता लगा है कि जिस तरह से वहाँ आग लगा दी गई है और वहाँ से ये धुआं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शॉर्ट करके बोलेंगे, थोड़ा सा दिखाएं कि इसको किस तरह से पेट्रोल पंप को आग लगा दिया गया है और वहाँ पेट्रोल पंप जलाया जा रहा है। इधर नीचे देखने से पता लगेगा कि किस तरह से बल प्रयोग होने के बाद भी लगातार जो है पुलिस मुस्तैद है, लेकिन दोनों तरफ से अभी आपस में लड़ने की लगातार कवायद जारी है। और बहुत पत्थर आपस में देखेंगे कि बहुत सारे रोडों पर पत्थर पड़े हुए हैं, जो आपस में पत्थरबाजी हो रही है, काफ़ी पब्लिक को भी नुकसान पहुँचा है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि काफ़ी पहले भी इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी भी भोलपुर सिलमपुर जाफराबाद से लगाकर नंदनगरी से लगाकर खजूरी चौक तक का पूरा रोड इस तरह से बना हुआ है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम के आगे कराए जा रहे हैं। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि लगातार लोग सहमे सहमे अपनी मंजिल को पाने के लिए लोग लगातार चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं भजनपुरा रेड लाइट पर, जहाँ पर देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने किस तरह से आपस में किस तरह से इनके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, जहाँ पुलिस बूथ को भी आग के हवाले कर दिया। आप देखते हैं इस चार पुलिस बूथ है भजनपुरा की, पुलिस बूथ देखने में आ रहा है, और बगल में जो बाजार है उसमें आग लगा दी गई है, कुछ दुकानों में आग लगा दी गई, जिस तरह से मैं अपने कैमरा में दिखाएँ ये दुकानों में आग लगी हुई, इस तरह से काफ़ी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ इतनी पुलिस फोर्स मौजूद होने के बाद ये हालांकि थोड़ी सी देर से आए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से जो पहुँचे हैं तब जाके ये शांत हो पाए हैं। हालांकि थोड़ी दूर पे यहाँ इनका शिविर लगा हुआ है, जहाँ पे इस शिविर में देख सकते हैं कि इस तरह से अभी भी लोग बैठे हुए हैं CAA के विरोध में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जहाँ खजूरी का बहुत पास का ही इलाका है, जहाँ खजूरी में भी इस तरह से अभी यहाँ दो तीन बार झड़प हो चुकी है, और निरंतर जिस तरह से अभी पुलिस बल पूरा अपना मुस्तैद है, पुलिस पर मुस्तैद होने के बावजूद भी इस तरह से ये नुकसान हो रहे हैं। बगल में पेट्रोल पंप है भजनपुरा का, जो पेट्रोल पंप पे आग लगा दी गई है, भजनपुरा के पेट्रोल पंप में भी आग लगा दी गई है, आसपास के शहरों में आग लगा दी गई है, और काफ़ी नुकसान हो गया है। इस तरह से देखने में आ रहा है कि अभी आप देख सकते हैं इस तरह से पुलिस पर पूरा जो है दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर हैं, दमकल की गाड़ियाँ आग लगाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि आप इस तरह लगातार पुलिस बल और दमकल विभाग पूरा मुस्तैद है, पब्लिक यहाँ दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और उधर के लोग अभी मतलब कि किस तरह से लगातार बार बार आकर और पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पुलिस को बार बार उन्हें मजबूर कर रहे हैं लाठीचार्ज करने पर। क्या नाम आपका? पाठक जी। पाठक जी, आप अपने बच्चों को कहाँ से लेके आ रहे हैं? शेरपुर चौक से। क्या हुआ था? अरे हंगामा हो रहा, पुलिस वाले बोल रहे हैं। क्या हुआ था बेटा? आप गाड़ी में बता रहे थे, क्या गाड़ी में क्या हुआ? गाड़ियों में भी आग लगा दी है। गाड़ी में आग लगा दी? कितनी गाड़ी में आग लगा दी आपने, क्या देखा? तीन चार, और वहाँ पे सब बहुत सारे लोग मतलब बन्ने बन्ने लाठी लठी लेके घूम रहे थे सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने क्या देखा? बहुत सारे वॉर्डन खड़े थे और लाठीबाजी चल रही थी वहाँ पे, लाठी चार्ज बहुत सारे लोग। अच्छा, बहुत सारे मोमडन थे, कुछ लोग तो अपने मुंह पर कपड़ा बांध के बैठे हुए थे। तो आप लोग कैसे निकले वहाँ से? अच्छा अच्छा, आप लोगों को निकलने दिया? हाँ, हम लोगों को निकलने दिया, लेडीजों को जाने दे रहे थे। अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं कि बच्चों। क्या हुआ था? कैसे गिर गए थे आप जब ये पथरा हो रहा था? जब अंदर पकड़ रखा तुम्हारे को? अंदर पकड़ लिया था वहाँ पे तुम्हें? वो दवाई लगा रहे थे। कौन सी जगह पे आप थे जहाँ पे आपको चोट लगी, कौन सी जगह थी? 25 फुटा है ना जी, मुंगानगर का?
मुगा नगर पे? हाँ, मुगा नगर में। क्या हुआ था वहाँ पे? यहाँ पे कर रहा था, पता नहीं पत्थर मारा गिर गया होगा, किसे पकड़ के वहाँ ले गए, मारा होगा। और इसका नाम क्या है, वो तो कुछ अच्छे लोग थे जो उसे बचा के वहाँ ले गए, उसकी पट्टी करवाई और वहाँ बैठा के।